जिला बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के द्वारा खोले गए 7 सेवा केंद्रों के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आयुष्मान काढ़ा और च्यवनप्राश वितरित किए गए। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बताया कि भाजपा के सेवा अभियान के तहत श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 7 सेवा केंद्रों में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि ये सेवा केंद्र खोलने की शुरुआत माता श्री नैना देवी के चरणों से की गई और 7 सेवा केंद्र खोले गए हैं, जिनमें श्री नैना देवी चंगर क्षेत्र, स्वारघाट, कोठीपुरा, नम्होल, ब्रह्मपुखर और खारसी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद जिन्हें राशन की जरूरत हो, दवाइयों की जरूरत हो या कोई अन्य सुविधा की जरूरत हो, वे जन सेवा केंद्र को सूचित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि श्री नैना देवी क्षेत्र में किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो सेवा केंद्र से संपर्क कर सकता है। यहाँ पर कार्यरत कार्यकर्ता हर संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश करेंगे ताकि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को कुछ राहत मिल सके। रणधीर शर्मा ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने में लगे हैं, तो वहीं महिला मोर्चा मास्क बनाने में जुटी हुई हैं ताकि इस महामारी से निपटा जा सके, तथा इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री नैना देवी जी मंडल ने इस कोरोना महामारी के संकट काल में जरूरतमंद को सहायता देने के लिए और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका सहयोग करने के लिए अपने इस विधानसभा क्षेत्र में 7 सेवा केंद्र खोले हैं, ताकि पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा ही संगठन अभियान 2 के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अभी 7 के 7 सेवा केंद्र सुचारू रूप से चल रहे हैं, जहां श्री नैना देवी जी बसी, स्वारघाट, कोठीपुरा, ब्रह्मपुखर, नम्होल, भटेतर में ये सब सेवा केंद्र चल रहे हैं, जिनके माध्यम से जरूरतमंद की सहायता की जा रही है। जिनको आवश्यकता है उनको मास्क दिए जा रहे हैं। हमारा युवा मोर्चा के साथी पंचायतों को सैनिटाइज कर रहे हैं, जिनके लिए हम इन सेवा केंद्र के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी तरह से जिनको मास्क की अवस्था जरूरत है उनको मास्क जो हमारी महिला मोर्चा की बहनें हैं वो बनाकर इन सेवा केंद्रों पे दे रही हैं, और उनके माध्यम से जिसको आवश्यकता उसको मास्क दिए जा रहे हैं। और आज से हमने जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके लिए च्यवनप्राश और आयुष काढ़ा ये उपलब्ध करवाया है। इन सेवा केंद्रों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ये किट जो है वो मुहैया कराएंगे, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, वो जल्द स्वस्थ हों। इसी कामना के साथ कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो, हम ये जो आयुष किट है जिसमें काढ़ा और च्यवनप्राश है वो उनको उपलब्ध कराएंगे। और इसके अलावा भी इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ सेवा केंद्र है उनके अंतर्गत जो पंचायतें आती हैं उनके लोगों को कोई और भी दिक्कत है, किसी और तरह की भी सहायता की आवश्यकता है, तो वो भी सेवा केंद्र के माध्यम से उनकी की जाती है। चाहे वो राशन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे किसी को दवाई उपलब्ध कराने की बात हो, या किसी पॉजिटिव पेशेंट को कोई हॉस्पिटल की सहायता की जरूरत हो उसको भी मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना संकट काल में जनता की सेवा की जा सके, ताकि नर सेवा नारायण सेवा के कहावत को चरितार्थ किया जा सके।